मात्र इसके कुछ दाने ही काफ़ी है आपके गुड़हल, गुलाब, मोगरा, अपराजिता में फ्लावर लाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपके गुलाब में अच्छी फ्लावरिंग नहीं हो रही है, ग्रोथ नहीं हो रही है, आपने जैसा प्लांट लाया है नर्सरी से वैसा कहीं वैसा है, कोई उसमें कोई न्यू ग्रोथ शुरू नहीं हो रही है, तो इस खाद को डाल देने से आपका जो प्लांट है ना वो अच्छे से फ्लावरिंग करेगा, ग्रोथ करेगा और आपका जो प्लांट है ना फूलों से भर जाएगा। और ये जो खाद है ना फ्रेंड्स, हमारे गुड़हल प्लांट के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। इसका यूज़ ना आप अपने सभी प्लांट पर कर सकते हैं, चाहे वो आपके आउटडोर हो, इनडोर हो, सब्जियों वाले प्लांट हो, फूलों वाले प्लांट हो, सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है फ्रेंड्स। इसका यूज़ ना आप अभी सर्दियों में ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको ना एक रुपया भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। हमारे किचन में ही मिलने वाली ये चीज़ें होती है, जिसका यूज़ करके हम अपने प्लांट्स पर हैवी फ्लावरिंग पा सकते हैं। और ये जो चीज़ें होती हैं ना फ्रेंड्स, बिल्कुल ऑर्गेनिक होता है और इससे हमारे प्लांट्स को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचता है। चाहे इसकी मात्रा हमारे प्लांट्स पर ज़्यादा भी हो जाती है ना, फिर भी ये हमारे प्लांट्स के लिए नुकसान नहीं होता है। इसका असर भले ही धीरे धीरे होता है फ्रेंड्स, लेकिन हमारे प्लांट्स पर बहुत हैवी फ्लावरिंग होता है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरा छोटा सा गुड़हल का प्लांट है और इसमें कितने सारे देखिए फ्रेंड्स बर्ड्स आए हुए हैं। इस खाद को मात्र डाल देने से अभी सर्दियों में बहुत ही बेस्ट खाद है फ्रेंड्स। ये हमारी प्लांट्स की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाएगा, मिट्टी में गर्माहट को बनाकर रखेगा, क्योंकि जो सरसों होता है ना फ्रेंड्स, बहुत ही गर्म चीज़ होता है। और अभी सर्दियों में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कोहरे, शीत वगैरह हमारे प्लांट्स पर पड़ते रहते हैं, जिसके कारण हमारा जो प्लांट है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अगर इस खाद का यूज़ करेंगे ना, तो ये आपके प्लांट्स की मिट्टी में गर्माहट को बनाकर रखेगा, जिससे हमारा जो प्लांट है ना वो ख़राब नहीं होगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो सरसों होता है हमारे प्लांट्स पर किस तरह से काम करता है। तो फ्रेंड्स, जो सरसों होता है वो पूरा NPK का स्रोत होता है फ्रेंड्स। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस होता है, जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। अगर इसका यूज़ ना अगर आप अपने प्लांट्स की मिट्टी पर करते हैं ना, तो ये हमारे प्लांट्स की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ा देता है, हमारे प्लांट्स की मिट्टी में गर्माहट को बनाकर रखता है। अभी सर्दियों में बहुत ज़्यादा जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा शीत और कोहरे वगैरह पड़ते रहते हैं हमारे प्लांट्स पर, और हमारा जो प्लांट होता है ना ऊपर छत में रखाया रहता है, और डायरेक्ट जो शीत और जो शीत और जो ठंडाहट होती है ना फ्रेंड्स, हमारे प्लांट्स पर पड़ते हैं, जिसके कारण हमारा जो प्लांट है ना वो ख़राब होने लगता है। अगर इसका यूज़ अपने प्लांट्स की मिट्टी पर करेंगे ना, तो हमारे प्लांट्स की में गर्माहट को बनाकर रखेगा, और इसके बहुत सारे काम है फ्रेंड्स। इसका यूज़ ना अभी आप सर्दियों में ज़रूर करता है। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड भी होता है। अगर आपके प्लांट्स की मिट्टी पर कीड़े मकोड़े, फंगस वगैरह हो गए हो ना, उसको भी ये ठीक करता है, क्योंकि ठंडी के कारण हमारी प्लांट्स की मिट्टी सूख नहीं पाती है फ्रेंड्स। हमारी प्लांट्स की मिट्टी अधिकतर गीली रहती है, जिसके कारण कीड़े मकोड़े और फंगस वगैरह हमारे प्लांट्स पर लग जाते हैं। अगर इसका यूज़ अपन मिट्टी पर करेंगे ना, तो ये कीड़े मकोड़े और फंगस को दूर करेगा। इसका यूज़ ना आपको ना डायरेक्ट अपने प्लांट्स की मिट्टी पर नहीं करना है फ्रेंड, नहीं तो इसके छोटे छोटे पौधे निकल आएंगे, क्योंकि ये जो सरसों के दाने हैं, तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें मिक्सी में बारीक पीस लेना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको मिक्सी में पीसकर इस तरह से इसका बिल्कुल पाउडर बना लेना है। डायरेक्ट जो दाने हैं ना फ्रेंड्स, हमें अपने प्लांट्स की मिट्टी पर नहीं डालना है, तो इस तरह से हमें इसका पाउडर बनाकर ही इसे हमें प्लांट्स पर यूज़ करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, 1 लीटर पानी ले लेना है, और 1 लीटर पानी में ये देखिए फ्रेंड्स, 2 चम्मच इसे डाल देना है। और इसे डालने के बाद इसे 1 दिन के लिए अच्छे से फार्मेट होने के लिए छोड़ देना है। जब ये अच्छे से फार्मेट हो जाएगा ना, उसके बाद इसका यूज़ अपने प्लांट्स पर करना है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, जब ये अच्छे से फार्मेट हो जाएगा ना, तो हमें इस तरह से एक गाढ़ा लिक्विड मिलेगा, जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ही फायदेमंद है फ्रेंड्स। और ये जो गाढ़ा होता है ना, इसे हमें नॉर्मल पानी मिलाकर ही अपने प्लांट्स पर इसका यूज़ करना है। देखिए फ्रेंड्स, इस लिक्विड को यूज़ करने से पहले ना आपको इसको अच्छे से मिला लेना है। और देखिए फ्रेंड्स, ये 1 गिलास लिक्विड होगा और ये 1 गिलास नॉर्मल पानी है, उसमें हमें इस लिक्विड को अच्छे से मिला लेना है। और कोई भी सजा आप लिक्विड अपने प्लांट्स को देते हैं ना फ्रेंड्स, तो उसको ना नॉर्मल पानी ही मिलाकर अपने प्लांट्स को देने चाहिए, क्योंकि जो जब हम इसमें नॉर्मल पानी मिलाते हैं ना, तो ये जो लिक्विड है बिल्कुल पतला हो जाता है, हमारे प्लांट्स को अच्छे से मिल पाता है। इस लिक्विड का यूज़ करने से पहले आपको क्या करना है, आपके अपने प्लांट्स की मिट्टी की गुड़ाई कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्लांट की मिट्टी ना इस तरह से होना चाहिए, पानी की मात्रा बिल्कुल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, प्लांट्स की मिट्टी जो है ना बिल्कुल चिपचिपी नहीं होनी चाहिए, इस तरह से भुरभुरी होनी चाहिए, हल्की सी नमी होना चाहिए फ्रेंड्स, उसके बाद ही आप इस खाद का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ना अच्छे से गुड़ाई कर लेना है, उसके बाद ये जो लिक्विड है ना उसको आपको अपने प्लांट्स में दे देना है। और ये जो लिक्विड है ना फ्रेंड्स, अभी सर्दियों में आपके प्लांट को कड़ाके की सर्दी से मरने से बचाकर रखेगी, शीत से बचाकर रखेगी, बहुत ही पावरफुल ये जो खाद है ना फ्रेंड्स, इसका यूज़ करके आप ज़रूर देखें। और फ्रेंड्स, अभी सर्दियों में अगर आप इस तरह के जो लिक्विड है ना उसका यूज़ अपने प्लांट्स पर करेंगे ना, तो इसके फ़ायदे आपके प्लांट्स को बहुत ज़्यादा होंगे। और इन दानों का यूज़ ना फ्रेंड्स, महीने में कम से कम एक बार ज़रूर करें अपने प्लांट्स पर। ये आपकी ना रुकी से रुकी ग्रोथ को आपके प्लांट की शुरू कर देगी, बहुत ही फायदेमंद है फ्रेंड्स ये जो सरसों के दाने होते हैं वो। तो फ्रेंड्स, अभी सर्दियों में ना जो हमें घर पर आसानी से मिलने वाली चीज़ें हैं, उसका यूज़ करके हम अपने प्लांट्स पर बहुत अच्छे फ्लावरिंग पा सकते हैं फ्रेंड्स। और मैं हमेशा इसी तरह की जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, जो हमें घर पर आसानी से मिलने वाली चीज़ें हैं, उसका यूज़ मैं अपने प्लांट्स पर करती रहती हूँ। आप भी इन चीज़ों का यूज़ ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स।